मेरा नाम है मनीषा शर्मा और मेरे से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। तो आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी पर बहुत बहुत वेलकम है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, जी जान लगाई होगी और मेरी वीडियोज भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होंगी। तो बहुत सारे लोगों का डाउट था कि बोर्ड यूज कैसे करना है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत सारी वीडियोज हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, उनको जाकर देख लेना अगर नहीं देखी हो। तो बहुत लोगों का ये डाउट था कि बोर्ड को कैसे यूज करना है, मैम इसको बता दो कि बोर्ड कैसे यूज करना होता है। तो देखो, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी शुरू से अब तक, तो आपको थोड़ी थोड़ी आइडिया हो गया होगा कि बोर्ड कैसे यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि जब मैं बोर्ड में बताती हूँ चीजें तो काफी क्लियर होती है, चीजें लॉजिकल होती है। एरो का यूज करती हूँ मैं, बॉक्सेस का भी यूज करती हूँ, कभी सर्कल, कभी बादल, ठीक है, अलग अलग मार्कर्स का, लाइन, अंडरलाइन, ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। तो मैं एक एक करके पॉइंट क्लियर कर रही हूँ आपको। सबसे पहले तो आपको डेमो देना है, डेमो में ही वीडियो में यूज करोगे आप बोर्ड, तो वहां पर इस साइड डे, डेट, क्लास, ठीक है, टॉपिक क्या है और अटेंडेंस। कई बच्चे जो है टीएलओ भी मेंशन कर रहे हैं, आप टीएलओ भी मेंशन कर सकते हो कि क्या आप पढ़ाना चाहते हो। मैंने नहीं किया था, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो आप टीएलओ भी मेंशन कर सकते हो। टीएलओ इज टीचिंग लर्निंग आउटकम, कि आपका जो मेन आउटकम है टीचिंग का वो क्या, उससे भी इंप्रेशन पड़ेगा। मेरे टाइम पे वो कॉन्सेप्ट नहीं था तो मैंने नहीं लिखा था, लेकिन अभी चल रहा है तो आप यूज कर सकते हो, इंप्रेशन ही पड़ेगा आपका, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि जो टॉपिक, जो भी लैंग्वेज में आपका है टॉपिक, उसी में लिखना। जैसे इंग्लिश का है तो इंग्लिश में लिखना, हिंदी का है तो हिंदी में लिखना, ठीक है। अटेंडेंस में टोटल अटेंडेंस, टोटल स्टूडेंट्स, प्रेजेंट स्टूडेंट्स और एबसेंट स्टूडेंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। कई लोग थॉट ऑफ द डे भी लिख सकते हैं, आपको थॉट ऑफ द डे भी लिख सकते हो, आपकी चॉइस है आप क्या लिखना चाहते हो। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बोर्ड को डिवाइड करना है। वो बोर्ड जो होता है बहुत बड़ा होता है। देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पता है कॉपी में लिखना भी नहीं आता। मैं आपको समझाती हूँ, जैसे कि मान लो कि देख सकें, जैसे मान लो ये कोई कॉपी है, ठीक है। तो कॉपी में क्या होता है, जैसे मान लो आपके बोर्ड की लाइन यहाँ पर खत्म हो गई, पर बच्चे की क्या है कि आधी लाइन यहीं पे खत्म होगी, तो बच्चा पता क्या करेगा, वो उस लाइन को यहीं छोड़ देगा और फिर नई लाइन से लिखने शुरू कर देगा और बीच के वर्ड्स गायब, क्योंकि उसके तो यहीं तक ही आया ना वो कॉपी में, ठीक है। तो बच्चों को लिखना नहीं आता, इसलिए जो होता है बोर्ड को क्या होता है, डिवाइड किया जाता है, ठीक है। बोर्ड को डिवाइड करने से क्या होता है, बच्चे को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को भी इसी हिसाब से लिखना है, और आपको भी उतना उतना लिखना होता है, और बच्चों को सिखाना होता है कि कैसे लिखते हैं बेटा अगर आपको यहाँ पे खत्म हो जाए तो। तो बोर्ड का डिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे को इतनी लंबी लाइन देख के अजीब हो जाता है, समझ ही नहीं आता बच्चे को, ठीक है। तो बोर्ड का डिवीजन, डिवीजन कैसे करना है, बोर्ड को आपको ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है। हमारे क्लास में क्या हो रखा है कि साइड में जो है ये हिस्सा और साइड में ये हिस्सा खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर वैसे छोड़ना है तो आप वैसे भी छोड़ सकते हो। यहाँ पे जो है ना हम होमवर्क लिखवा देते हैं कि ये हमारा होमवर्क है, ठीक है। आपको छोड़ना है वो भी कर सकते हो, ठीक है, ये भी रहता है। और बीच में से तो आपको हाफ करना ही है, आधी चीजें इधर पढ़ानी है, आधी चीजें इधर पढ़ानी है, ठीक है। इसका ये फायदा हो सकता है कि मान लो आपको टॉपिक ऐसा पढ़ा रहे हो, है ना, जिसमें ड्राइंग की जरूरत है, तो आप बोर्ड को आधा डिवाइड करो, इधर ड्राइंग कर दो, इधर लिखने वाली चीजें कर लो, इसका ये फायदा रहेगा, ठीक है। और उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपने बोर्ड डिवाइड कर लिया, कई लोग पता क्या होता है, लिखते चल जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, कुछ हवा में जा रहा है, कुछ टेढ़ा जा रहा है, कुछ नीचे जा रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है, मतलब का सब कुछ उल्टा सीधा हो रखा है। ऐसा नहीं करना है आपको, एक तो लेजिबल, जो चीज पढ़ी जा सके, साफ सुथरा लिखना है, क्लियर हैंड राइटिंग में लिखना है, स्ट्रेट लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्ट्रेट, आप जो भी लिख रहे हो उसकी लाइन स्ट्रेट जानी चाहिए। कई लोग आप देखोगे बोर्ड ऐसे ऐसे लाइन ऊपर चली जाती है, पप्पन किला पे जा रही होती है वो, ऐसा नहीं है। आप देखो मैं भी बोर्ड पर लिख रही हूँ, लेकिन मेरी लाइन जो है सीधी जा रही है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लेजिबल ऐसे लिखना है कि बच्चे पढ़ सके, सबसे आखिरी वाला जो बच्चा है वो भी उसको पढ़ सके, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज है कि क्लियर साफ हैंड राइटिंग लिखनी है। आप अपने आर को ऐसे बनाते हो ना तो बच्चा भी ऐसी बनाएगा, और ऐसी राइटिंग में लिखनी है डॉक्टरों वाली, की बच्चे को समझना है, हैंड राइटिंग क्लियर हो, सीधा सीधा लिखना है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्टेंट। आप मेरी हर एक वीडियो देखना, हर एक वीडियो में ऐसा नहीं होगा मैंने कहानी लिख दी अब आप समझते रहो, नहीं, मैंने हर एक कंटेंट में चीजों को ऑर्गेनाइज किया है, पहले क्या बताना है, उसके बाद क्या बताना है, उसके बाद क्या बताना है, और पॉइंट जो जिससे रिलेट कर रहा है उस पॉइंट से रिलेटेड उसके आसपास वो चीजें लिखी है। तो आप मेरी जितनी वीडियोस देखोगे उसमें बोर्ड वर्क मैंने बहुत तमीज से किया हुआ है। जैसे कि आप देखो क्या अवॉइड करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट तो मैंने मेन पॉइंट दे दिया, उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो आपको किसी भी टॉपिक को सेक्शंस में डिवाइड करना है। जैसे मान लो कि वाटर है, तो वाटर के कितने सारे सेक्शन है, सबसे पहले तो वाटर, ठीक है,
सोर्सेज ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, सेविंग वाटर, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन, इतने सारे टॉपिक हैं। फिर सोर्सेज ऑफ वाटर में भी पॉइंट बनते हैं कि कहाँ कहाँ से मिलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज, आर्टिफिशियल सोर्सेज, ठीक है, और नेचुरल सोर्सेज में भी आपके बहुत सारे पॉइंट बन रहे हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं आपको डिवाइड करना है, पहले सेक्शन में, टॉपिक में, सब टॉपिक में इसकी डेफिनेशन देनी है, किसका एग्जांपल देना है, कौन से क्वेश्चन बनेंगे, आपको कंटेंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आपका दिमाग में ही वो ऑर्गेनाइजेशन हो जाना चाहिए कि मैं बोर्ड पर किस चीज को कैसे बताऊंगा। आप वो वीडियोस को देखो, मैंने हर चीज को पहले एक्सप्लेन किया है, क्या है, क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या है क्या नहीं है, उसको मैंने सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठती चली जाए, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंसिएशन, आपको डिफरेंसिएशन करना है। बोर्ड में जो छोटा बच्चा होता है उसे पता नहीं चलता, ऐसा आप देखो हमारे जो बड़े बच्चे होते हैं ना वो कहानी लिख सकते हैं, पूरा पैराग्राफ में आंसर लिख देंगे, समझ आ जाएगा। लेकिन छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हमें हेडिंग बनाना पड़ता है, सब हेडिंग बनाना पड़ता है, उनके लिए पॉइंट्स बनाने पड़ते हैं, क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं, मान लो मैंने बोला कि नेम एनिमल्स, मान लो ये क्वेश्चन या जगह नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, नेम एनिमल्स फ्लाई दैट कैन, ये क्वेश्चन है दैट कैन, ये क्वेश्चन लिख दिया मैंने फ्लाई, फ्लाई वाले एनिमल्स के दो नाम, स्विम, जो एनिमल्स स्विम कर रहे हैं उनके नाम, ठीक है, हॉप, जो कूदते हैं उनके नाम, बात समझ आई। तो ये मेरा जो था, ये अगर मैं बोर्ड पे लिखती तो तमीज से लिखती, ठीक है, तो मैंने लिखा नेम एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, दो एनिमल्स स्विम डैश हॉप डैश। अब देखो क्लियर हो रहा है ना कि क्वेश्चन ये है, पूछा ये है, ठीक है, इसके आगे भी मैं ए बी सी डी डाल देती, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बोर्ड क्लियर यूज करना है, क्वेश्चंस कैसे लिखोगे, आंसर्स कैसे लिखोगे, डेफिनेशन कैसे लिखोगे, ठीक है, एग्जांपल कैसे प्रोवाइड करोगे, कोई जो मेन पॉइंट है जो आप सिखा रहे हो वो कैसे दिखाओगे, ठीक है, ये सब चीजें हैं। पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम है, अब आपने ड्रॉइंग बना दी तो उसको एरो कैसे लगा कि कहाँ लिखोगे, तो आपके माइंड में डिफ्रेंशिएशन होने के साथ साथ बोर्ड पे भी आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि जैसे डिफरेंशिएट मैंने बोर्ड में, अब ये यहाँ पे ये एरो बनाया है, ठीक है, हेडिंग क्या है, सब हेडिंग क्या है, पॉइंट्स कौन से, क्वेश्चन क्या, अलग 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 यूज कर सकते हो, नंबर डाल सकते हो। जैसे मैंने हर पॉइंट के आगे अगर मैं नंबर नहीं डालती तो अलग फर्क पड़ता, मैंने पॉइंट डाले हैं 1 2 3 4 ताकि आपको पता चल जाए 13 पॉइंट्स है, ठीक है। आप कुछ चीजों को कैपिटल लिख सकते हो, कुछ को स्मॉल लिख सकते हो, जैसे मेरे पास कलर था, रेड कलर का मार्कर है, तो मैं रेड कलर के मार्कर को क्या है यूज कर रही हूँ डिफरेंस करने के लिए कि ये हेडिंग है और ये सब पॉइंट्स है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको बोर्ड दे दिया, बोर्ड में आपके पास तो एक ही चौक है ना, तो आप हेडिंग को कैपिटल्स में लिख सकते हो, हेडिंग को लिखने के बाद उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट चीज उसके ऊपर आप सर्कल लगा सकते हो, उसको बॉक्स में लिख सकते हो, उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हो, आप अलग चीजें कर सकते हो, जो भी आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना है कि ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये उसका पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन, जो भी लिख लो क्लैरिटी से लिखो, बच्चे को समझ आए, इजी लैंग्वेज हो, शॉर्ट हो, आंसर भी शॉर्ट हो, ठीक है। हेडिंग वाली बात मैं बता चुकी हूँ, जो भी आप लिख रहे हो पॉइंट से एग्जांपल इंटरेस्टिंग होने चाहिए और इम्पोर्टेंट होने चाहिए, जो चीज इंटरेस्टिंग है वो लिखनी है, जो इम्पोर्टेंट चीज है, बोर्ड पर ऐसा नहीं पूरी रामकथा जो भी आप बोल रहे हो सब कुछ लिखे जा रहे हो, नहीं, छोटे बच्चों के लिए सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट बातें लिखनी है। तो इम्पोर्टेंट हो सकता है डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम्पल्स, इम्पोर्टेंट हो सकता है कोई फैक्ट, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और एग्जाम्पल्स को ही आपको बोर्ड पर लिखना है। फिर स्टार्ट विन एंड आउटलाइन, आउटलाइन मतलब कि क्या स्ट्रक्चर है, क्या ढांचा है, आप जो लिखोगे उसका क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो आपको पहले ओवरव्यू देना है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में पर्सनालिटी पे बात की थी, ठीक है, एक वीडियो थी जिसमें मैंने पर्सनालिटी की बात की थी, तो सबसे पहले मैंने बताया भाई पर्सनालिटी क्या होती है, पर्सनालिटी के कितने पार्ट हैं, फिर उसमें वर्बल था उसको पूरा एक्सप्लेन किया, नॉन वर्बल को एक्सप्लेन किया, पर वर्बल में भी एक एक पॉइंट को मैंने पहले पॉइंट लिया फिर उसको एक्सप्लेन किया, फिर नॉन वर्बल को लिया फिर उसको एक्सप्लेन किया। तो पहले आपको ओवरव्यू देना है, उसके बाद डिटेल में जाना है, आपके पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसको फ्लो होना चाहिए, ठीक है, तो बोर्ड में भी आपको वही करना है। अब देखो ये नहीं है, मेरा भी पॉइंट जो होता है तमीज से ज्यादा होता है, पहले क्या उसके बाद क्या उसके बाद क्या, इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग भी चीजें लिखी जाती है, पहले इंपॉर्टेंट क्या उसके बाद क्या उसके बाद क्या उसके बाद क्या, ठीक है। अब फिर बात है सिंप्लीफाई, आपका कंटेंट बहुत बड़ा है, बुक में इतना सब कुछ लिखा है लेकिन आप सब कुछ बोर्ड पर लिख सकते हैं, तो आपको कॉम्प्लेक्स चीजों को टुकड़ों में तोड़ना है। जैसे कि हमारे 4 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे इंटरव्यू के, तो उसको मैंने पहले 4 टुकड़ों में तोड़ा कि भाई मेरे को ऐसा लगा कि कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी, नॉलेज और डेमो टीचिंग 4 पार्ट है जिसपे फोकस करना है, तो मैंने उनको 4 हिस्सों में तोड़ा, फिर उनको और डिवाइड किया, फिर उनको और डिवाइड किया। जैसे पर्सनैलिटी को मैंने डिवाइड किया, पहले उसको समझाया पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है, फिर मैंने उसको समझाया पर्सनैलिटी में कितने पार्ट होते हैं, फिर हर पार्ट के पॉइंट्स, ठीक है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स चीज थी उसको सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई। कम्युनिकेशन भी मैंने समझाया,
मेरे जितनी वो वीडियोस आप देखोगे उसमें मैंने पहले उसको ओवरव्यू दिया, फिर उसको डिवाइड किया, फिर हर डिवीजन को समझाया। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखो मैं समझा रही ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंशिएशन, आउटलाइन, सिंप्लीफाई, ये क्या है, ये डिफरेंशिएशन है, ये आउटलाइन है जो कॉम्प्लेक्स को सिंपल भाषा में तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको भी टॉपिक को, जैसे कि आपको बहुत वाटर इतना बड़ा टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसको आपने डिवाइड कर दिया सोर्सेज ऑफ वाटर। एक दिन हमने पढ़ा सोर्सेज ऑफ वाटर, अगले दिन हमने पढ़ा यूजेज ऑफ वाटर, तीसरे दिन पढ़ा हमने वाटर पॉल्यूशन, चौथे दिन पढ़ा ये, तो डिविजन हो गया ना टॉपिक का। मैथ्स में भी ऐसा होता है कि पहले आप सिंपल एडिशन करवा रहे हो, फिर दो डिजिट वाले एडिशन करवा रहे हो, फिर तीन डिजिट वाले करवा रहे हो, फिर कैरी वाले एडिशन करा रहे हो, है ना, फिर वर्ड प्रॉब्लम करवा रहे हो। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना आपको। ठीक है, कॉम्प्लेक्स को सिंपल हिस्सों में तोड़ लो, डिवीजन कर करके पढ़ाओ, पहले बेसिक, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे मुश्किल, फिर उससे मुश्किल, ऐसे पढ़ाना है। अब क्या है, इन्वॉल्व आंसर ऑफ स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब है कि आप बोर्ड का कैसे यूज कर सकते हो। मान लो आपने कुछ ड्रॉ किया, आप बच्चों से कुछ पूछ रहे हो, वो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हो कि आप कोई क्वेश्चन पूछा, आप बच्चों से रिस्पॉन्सेज ले रहे हो। जैसे मैंने वो सोर्सेज ऑफ वाटर वाली पोएम पढ़ाई थी, तो उसमें बच्चों से रिस्पॉन्सेज लिए थे, तो वो आप लिख सकते हो। तो उसमें क्या, बच्चों से आप आंसर पूछते रहो, लिखते रहो, फिर बाद में उस टॉपिक को पढ़ा दो, ऐसा हो सकता है। तो आप बच्चों के आंसर्स भी बोर्ड पर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है समराइज। अब आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि मैंने ऊपर कुछ कुछ लिखा होता है, जैसे मैंने उसमें डू एंड डोंट्स वाली वीडियोस हैं बहुत सारी, ठीक है, और जो ड्रेस कोड वाली वीडियोस में भी आपने देखा होगा, तो मैंने नीचे कई बार रीकैप दे देती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट दे देती हूँ, समराइज कर देती हूँ कि क्या है ये, क्यों है। ठीक है, तो समराइज भी आप कर सकते हो, की पॉइंट्स लिख सकते हो, रिकैप्चुलेशन लिख सकते हो नीचे कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये किस लिए है। पर्सनालिटी की नॉन वर्बल वाली जो वीडियो थी उसमें लिखा था कि ये करोगे तो उसका क्या, क्यों करते हैं ये, और नॉन वर्बल के अंदर ये नहीं करोगे तो इसका क्या फर्क पड़ेगा, ये क्या दिखाता है। तो आप नीचे समराइज कर सकते हो, की पॉइंट्स लिख सकते हो, रिकैप कर सकते हो, जो हमने टोटल पढ़ा उसका शॉर्ट में एक समरी दे सकते हो नीचे। ठीक है, आप फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो, डायग्राम यूज कर सकते हो, पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो, ड्राइंग कर सकते हो बोर्ड पर। जैसे मैंने आपको बताया कि आप बोर्ड को हाफ डिवाइड कर लो, है ना, अगर आपको लग रहा है कोई ड्राइंग ड्रॉ करनी है तो लेफ्ट में ड्राइंग बना दो, राइट में लिखना शुरू कर दो, है ना। या आप ऐसे कर सकते हो, लिख रहे हो तो बीच में ड्राइंग बना लो, बट बीच में मुझे थोड़ा सा अनक्लियर वाली बात आ रही है, फ्लो चार्ट यूज कर सकते हो। जैसे मैं कई बार एरो यूज करती हूँ, एक पॉइंट में से दो पॉइंट निकालती हूँ, जैसे ये लिख के इसमें से दो पॉइंट बना दिए, फिर इसमें से, और फ्लो चार्ट भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और विजुअल हायरार्की का क्या मतलब है कि जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको बड़ा लिखा, ठीक है, फिर उसके सब हेडिंग को छोटा, फिर जो उसके पॉइंट्स है उसके और छोटा। ठीक है, इसको बोलते हैं विजुअल हायरार्की। फॉन्ट साइज बदल के कर सकते हो, आप बोल्ड कर सकते हो, किसी को कैपिटल कर सकते हो, किसी के अंदर अंडरलाइन कर सकते हो, ताकि बच्चों को पता चल सके क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ऊपर है, क्या नीचे है, क्या पहले आएगा, क्या बाद में आएगा। ठीक है, तो ये बोर्ड यूज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये जब आप खुद यूज करोगे और मेरी वीडियोस देखोगे या किसी और को बोर्ड यूज करते हुए देखोगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा। बोर्ड का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए बच्चे के दिमाग में, वो चीज छप जानी चाहिए। मतलब बच्चे, जैसे मैंने भी कई वीडियोज में पढ़ाया होगा तो आपको भी चीजें सेट हो जाती होंगी दिमाग में। तो बोर्ड का सही यूज करना, क्लैरिटी के साथ यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मुझे लगता है आज की वीडियो बोर्ड यूज के लिए आपको हेल्पफुल रही होगी और आपको काफी हेल्प मिली होगी। बोर्ड कैसे यूज करना है तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, बोर्ड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेमो टीचिंग के टाइम पे बोर्ड का यूज जरूर जरूर करना, चाहे आप एग्जांपल लिख के आओ, वर्ड लिख के आओ, कुछ भी लिख के आओ, पर बोर्ड जरूर यूज करना, उसके नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कॉमेंट करके बताएं आपके मन में क्या आया, जो भी थॉट प्रोसेस है, कुछ भी आपको जो लगता है वो कॉमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।